This is second part of Dust of Snow. So listen carefully. Our second question is again, what is a hemlock tree? Hemlock tree kya hai? Why doesn't the poet write about more beautiful tree? यहाँ पर और भी बहुत सारे खूबसूरत पेड़ हैं जिनके बारे में कवि नहीं लिखता है, such as मैम्पल है और एन ओक है और पाइन ट्री है. यहाँ पर हेमलॉक ट्री के बारे में ही क्यों लिखा है? आंसर है आपका हेमलॉक ट्री जो है आपका हेमलॉक इज पॉइजनस ट्री. इस पोयम के अंदर हेमलॉक ट्री को पॉइजनस ट्री बताया गया है, जहरीला पौधा बताया गया है पेड़. विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर जिसपे छोटे छोटे सफेद फूल लगे होते हैं. द पॉइट डजंट राइट अबाउट द मोर ब्यूटीफुल ट्रीज. लेकिन इस कविता के अंदर पॉइट जो है बहुत और भी खूबसूरत पेड़ उनके बारे में नहीं लिखता है, बिकॉज ही इज पेसिमिस्टिक, क्योंकि वो निराश हो चुका है एंड आइडलिंग अवे हिज टाइम, और अपने समय को बर्बाद किए जा रहा है. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेकंड, इट मींस थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय और सॉरो. यहाँ पर जो क्रो और हेमलॉक जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय को करते हैं या सॉरो को करते हैं? व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो क्या है? दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, जो कि हेमलॉक ट्री पर जमी हुई जो बर्फ है उसको शेक्स ऑफ करता है, हिलाता है, इसका क्या मतलब हुआ? योर आंसर इज क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट सॉरो. क्रो एंड हेमलॉक ट्री जो है दोनों के दोनों सॉरो, दुख दर्द को यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं. द डस्ट ऑफ स्नो जो है स्टैंड फॉर द रे ऑफ होप, लेकिन यहाँ पे जो डस्ट ऑफ स्नो जो है वो एक उम्मीद की किरण के रूप में है, क्योंकि वो बर्फ का गिरना मतलब ये हुआ कि एक बुरे वक्त के बाद सही वक्त आता है. इट मेक्स द पॉइंट विवासियस वंस अगेन, और यही जो चीज है बर्फ का जो गिरना है उसके ऊपर उसके विचारों को दोबारा से जीवित कर देती है, और फिर से वो पॉइंट जो है वापस अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो जाता है. नेक्स्ट आपका एडिशनल क्वेश्चन में से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो. यहाँ पे स्पेशली आपको बताना है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है. आंसर है आपका डस्ट ऑफ स्नो इज अ कलेक्शन ऑफ टीनियस पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे जो बर्फ के टुकड़े हैं उनकी कलेक्शन है ऑफ स्नो की, जो कि रेस्टिंग ऑन द अपर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो किसी भी एक चीज के ऊपर आकर जम जाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट, यहाँ पे जो डस्ट ऑफ स्नो है वो किस चीज को प्रदर्शित या इंगित करती है. आंसर है आपका द डस्ट ऑफ स्नो जो है इंडिकेट्स द फॉल डाउन ऑफ सेट, मतलब यहाँ पे सेट का फॉल डाउन पतन के रूप में बताया गया है, एंड अ पेसिमिस्टिक थॉट, और जो निराशावादी सोच है उसका पतन बताया गया है, फ्रॉम द माइंड ऑफ द पॉइट, कवि के मस्तिष्क से. इट रिमूव्स दोज आइडियाज, ये जो स्नो डस्ट ऑफ स्नो जो है वो कवि की जो माइंड में नेगेटिविटी होती है उसको रिमूव करती है, सोच को रिमूव कर देती है. इट इंडिकेट्स द चेंज ऑफ मूड, इससे पता चलता है कि कवि का जो मूड है, द पॉइंट का जो मूड है वो चेंज हो गया है. नेक्स्ट वन, व्हाट साइड ऑफ नेचर डू क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि क्रो एंड हेमलॉक जो है वो प्रकृति की कौन सी साइड को दर्शाते हैं, कौन से पक्ष को दर्शाते हैं. यहाँ पर आंसर है आपका द क्रो रिप्रेजेंट द डार्क, यहाँ पे जो क्रो जो है वो डार्क को दर्शाता है, एंड सॉरोफुल साइड्स ऑफ नेचर, प्रकृति की दुख भरी पक्ष को दर्शाता है, और द हेमलॉक रिप्रेजेंट द पॉइजनस साइड ऑफ नेचर, और जो हेमलॉक जो ट्री जो है वो प्रकृति की पॉइजनस जहरीली पक्ष को दर्शाता है. मैन फेसेस बोथ दिस, व्यक्ति जीवन में दोनों चीजों का सामना करता है. मैन फेसेस बोथ थिंग दिस थिंग्स एट द डिफरेंट और सेम टाइम, अलग अलग समय में भी इन चीजों का फेस करता है, या फिर एक साथ दोनों चीजों का भी सामना करता है इन हिज लाइफ, अपने जीवन के अंदर. अब नेक्स्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एडिशनल, हाउ वॉज द डे ऑफ पॉइट सेव्ड, यहाँ पे कवि का जो दिन जो था वो कैसे बच गया था. आंसर है आपका द डे ऑफ
इट वॉज सेव्ड, यहाँ पे कवि का जो दिन जो था बच गया था, कैसे? व्हेन द क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, जब कौए ने क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो को गिरा दिया, शुक डाउन कर दिया, और इसी चीज ने दैट रिमूव्ड हिज सैड थॉट, इसी चीज ने कवि के मस्तिष्क में जो दुख भरी सोच सी उसको खत्म कर दिया। फिफ्थ, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम, पोएम की मेन थीम क्या है डस्ट ऑफ स्नो की? आंसर, देर आर सम सिंपल एक्शंस, बहुत सारी साधारण सी चीजें होती हैं दैट लीव अ ग्रेट इम्पैक्ट, जो कि बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ती हैं ऑन ह्यूमन माइंड पर। द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ का जो गिरना जो है, चेंज द पोएट्स माइंड, वो कवि के मस्तिष्क को बदल देता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, इस कविता में पोएट जो है प्रकृति को किस रूप में दर्शाता है? आंसर, द पोएट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम एज ए मूड चेंजर, यहाँ पे मूड चेंजर प्रकृति को इस प्रकार दर्शाता है कि व्यक्ति के मूड को बदल देती है। हिज थॉट्स, उसकी जो सोच है, आर चेंज, जो बदल जाती है विद सिंपल एक्ट ऑफ नेचर, प्रकृति के छोटे से साधारण के एक्शन से। सेवेंथ क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट द पॉइंट इज वेरी सेंसिटिव, आप कैसे कह सकते हैं कि पॉइंट जो है बहुत ही सेंसिटिव संवेदनशील है? आंसर है आपका, अ सेंसिटिव मैन इज अफेक्टेड विद एवरी एक्शन, सेंसिटिव व्यक्ति जो होता है वो हर एक्शन से प्रभावित होता है। द सिंपल एक्ट ऑफ नेचर, प्रकृति के जो साधारण सा भी एक्शन जो होता है डिड सो, वो ऐसा ही करता है ऑन द मूड ऑफ पॉइंट, पॉइंट के मूड पर प्रभाव डालता है। दैट इज वाई, इसलिए ही इज वेरी सेंसिटिव, इसलिए इस पोएम के अंदर पॉइंट को बहुत ही सेंसिटिव बोला गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी प्रिडिक्ट, हम कैसे कह सकते हैं कि दैट द पोएट्स मूड वॉज हेल्ड इन रिग्रेट, पॉइंट का जो मूड है वो परेशानी में फंसा हुआ है। द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम की जो लास्ट लाइन जो है वो इंडिकेट्स, दर्शाती है कि दैट द मूड ऑफ द पोएट, पॉइंट का जो मूड है वॉज हेल्ड इन रिग्रेट, वो परेशानी में फंसा हुआ था। ही वॉज फुल ऑफ सैड, वो बहुत दुख से भरा हुआ था, एंड डार्क थॉट, और नकारात्मक सोच से भरा हुआ था।